बड़ सूचना जहाँ आँची लैंडफॉल पर बदल दिग अर्थ बात्या दाना लैंडफॉल कलापर तार दिग को बदल भद्रक आड़ को बात्या दाना अर्थ भद्रक आड़े मुहाँची लैंडफॉल पर केन्द्रीय ओडिशा आड़ को मुहाँब एवं केन्द्रीय ओडिशा आड़ को मुहाँले ढेंकानाल कथा कहतु अनुगुल कथा कहतु यहीपटे अर्थ ढेंकानाल अनुगुल प्रबल वर्षा एवं पवन र कारण लैंडफॉल पर यार दिग बदलू आईएमडी डीजी सूचना देखते जमीक आम आगुचु भद्रक आड़ अर्थ धामरा आड़ को गति करुच्ची लैंडफॉल पर केन्द्रीय ओडिशा को यह मुहाँब एवं केन्द्रीय ओडिशा को मुहाँले ढेंकानाल अनुगुल केन्दुझर आड़क जीव अर्थ लैंडफॉल पर ढेंकानाल अनुगुल केन्दुझर में वर्षा एवं पवन लग रहा प्रभाव में तीन जिले में वर्षा पवन लग र निश्चित भाव लक्ष्मी आम कहीपर यह हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जितेबाला बात्या दाना लैंडफॉल करुच्ची यह किटा मात्र कर्व कर कर्व करापर निश्चिंत भाव में चिंता टी बढ़ प्रकृत में क्यों आड़े कर्व करुच्ची यह लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ हो स्पष्ट चित्र सामना को आसो जहाँ आईएमडी डीजी बड़ सूचना जितेबाला बात्या दाना लैंडफॉल करने प्रक्रिया आरंभ हो लैंडफॉल करने ही धीरे धीरे कर्व कर कर्व करने भद्रक आड़ को बात्या दाना जाए भद्रक जहाँ कहला भितरकनिका मध्य लैंडफॉल कर चित्र स्पष्ट हो धीरे धीरे भितरकनिका और धामरा मध्य लैंडफॉल कर चित्र स्पष्ट हो जाए ढेंकानाल अनुगुल कटक को प्रभाव देखा मिल पाए आईएमडी डीजी पक्षर जो बड़ सूचना दि जाए बात्या जितेबाला लैंडफॉल करते कर्व कर कम करने यार पवन रेग के कारण जितेबाला किसी समय पूर्व आंचलिक पापा विज्ञान केन्द्र पक्ष अपडेट आसूला जितेबाला लैंडफॉल कर बात्या सेतेबाला 100 रु 110 किलोमीटर गस्टिंग स्पीड में 120 किलोमीटर वगैरह पवन बहीपे निरुपमा प्रतिनिधि आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती निरुपमा आईएमडी डीजी जो बड़ सूचना देखते बात्या लैंडफॉल करने कर्व कर निजर दिग बदल के मुहाईपे तपन जो ट्रैक वर्तमान आसी किसी समय पूर्व आईएमडी डीजी निजर सांबादिक सम्मेलन जो कथा कही लैंडफॉल पर निजर गति बदल गतिपथ बदल आम जदि कह आभ्यंतरण ओडिशा आड़क मुहाँची और क्रमशः दक्षिण ओडिशा रे प्रभाव पकेबो बोली गोटे प्रकार इंडिकेशन वर्तमान जहाँ मिल सारी से ट्रैक उपर टिके नजर पकाई नेबा एवं जो ट्रैक वर्तमान हस्तगत होइछि एवं पूर्वरु मध्य आम देखौथिले जे किभलि भाबरे वर्तमान उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे आम जदि कहबा पहुंची सारी क्रमशः उत्तर पश्चिम दिगरे ही यहाँ गति करी उपकूल मुहाँ होउछि एवं जेतिकी जेतिकी आगो को अग्रसर होउछि पवन रो वेग मध्य अधिक होउछि गोटे पॉइंट रे आम देखुचे जे 61 नॉट अर्थात 120 किलोमीटर वेग पवन गति करूल निकटतर हो पवन रेग बढ़ुच्ची जदिव या पर पुणी थे पवन खसी 110 किलोमीटर को पहुंचुची एवं लैंडफॉल प्रोसेस आरंभ हो जाऊँगी से ही 110 किलोमीटर पवन सहित लैंडफॉल प्रोसेस आरंभ हो जहां आसंता काली सका पर्यंत बलबत्तर रहा चल 25 तारीख में गोटे भीषण बात्या यह लैंडफॉल करुच्ची जो स्थिति जो चित्र जो पूर्वानुमान आईएमडी पक्षर कर धामरा निकट रे यहाँ लैंडफॉल करुच्ची किंतु बड़ कथा होते लैंडफॉल करुच्ची आप देखु उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुच्ची बात्या दाना एवं लैंडफॉल करुच्ची लैंडफॉल पर यार दिग बदल पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को यह क्रमशः निरुपमा एटी गोटे मन को प्रश्न आसुची जितेबाला लैंडफॉल कर आईएमडी डीजी पक्षर रिकव कर रिकव करने क्रमशः दुर्बल हो आहुरी अधिक वर्षा कराइब ना से भाव में शक्तिशाली रही थी जितेबाला लैंडफॉल कर पार्ट को किभली भावरे 25 तारीख सका सुधा यह गोटे भीषण सामुद्रिक झड़ भीषण बात्यारे परिणत हो रही जहाँ स्थिति आम कह अनेक समय धरी लग रहा 25 तारीख पखापाखि संध्या बेलू जदि आम कहे यो स्थित आम जब कह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर आभ्यंतरण ओडिशा अर्थात आभ्यंतरण ओडिशा कथ जी कह केन्दुझर अनुगुल ढेंकानाल गजपति गंजाम भिलागुड़े बात्यार प्रभाव पड़े से
ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ କେବଳ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବାତ୍ୟା ହୋଇ ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରାକ୍ କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଏହା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇ ରହିବ ଯାହାର ପବନର ବେଗ ସେତେବେଳେ 40 knots ଅର୍ଥାତ୍ 80 km ବେଗରେ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଇବ ଭଲ ବର୍ଷା କରାଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗତିପଥ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ 26 ସକାଳ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରୁପମା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ IMD ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେକ୍ସଟ ବୁଲେଟିନରେ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ନିରୁପମା ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ଦାନା IMD ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଏହା ରିକଭ୍ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିବ କିନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।